चले आज शरद जी अधिकारी रूप से आरजेडी में पार्टी का विलय कर लिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे अभिभावक हैं, देश के राजनीति में एक बड़े नेता हैं, बड़े समाजवादी नेता हैं, और इस दौर में इन्होंने जो निर्णय लिया है ये दर्शाता है कि काफ़ी निडर निर्णय इन्होंने लिया है। सभी समाजवादियों को एक करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। जो लोग सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, आज सबकी नज़रें शरद जी पे थी। सभी लोग जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, सभी लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और अपने नेता शरद जी को भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इनके सेहत में भी सुधार हो, हम लोगों के बीच आए, हम लोगों को दिशा दिखाते रहें और काफ़ी अनुभवी रहे। और हमारे पिता से तो संबंध काफ़ी गहरा रहा है, काफ़ी लंबा रहा है, बीच में लोग बिछड़ते रहे हों, लेकिन आज के दौर में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय एलजेडी के तरफ से लिया गया कि सभी समाजवादी ताकतों को एकजुट किया जाए। और इन्होंने जो मुझ पर भरोसा जताया है, आरजेडी पर जो भरोसा जताया है, इनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आदरणीय लालू जी ने भी संदेश भेजा है, पूरी तरीके से शुभकामनाएं लालू जी ने दी है शरद यादव जी को। और दोनों ही नेता संघर्ष करके उभरे, छात्र जीवन से, इमरजेंसी के दौर से, लगातार साथ ही संघर्ष लोगों ने किया है। तो इस मौके पर हमसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है, जहां सभी लोग जो पुराना रूप जो जनता दल का वो फिर से दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी इसकी कोई बात नहीं है, इसकी देखिए कोई ऐसी बात है ही नहीं। आज का दौर जहां नफरत की राजनीति हो रही है, जहां संविधान और लोकतंत्र खतरे में हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमने ये कहा, ये जो निर्णय जो लिया गया देश की एकता के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को अमल करने के लिए, सब लोग को जो है ये दिशा भी शरद जी ने जो है अपने वर्करों को भी देने का काम किया। अब तो हम लोग सब लोग एक हैं और एकता से ही हम लोगों की शक्ति जो है बढ़ती है। तो मजबूती के साथ हम लोगों का जो बल जो है और बढ़ा है, और आने वाली जो भी चुनौतियां होंगी उसका मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। विपक्ष को कैसे साथ लेंगे तेजस्वी जी, विपक्ष को कैसे साथ लेंगे आप लोग? अब शरद जी ने कहा ना भाई, इनकी सेहत नहीं है हर जगह जा सके, लेकिन बैठ करके ही अपना काम करेंगे। और इनसे ज्यादा अनुभवी तो और कोई हो नहीं सकता इस दिशा में। शरद जी सब लोगों से बातचीत करेंगे, जो भी रीजनल्स पार्टी हैं और विपक्ष के नेता हैं, जैसा इन्होंने कहा कि अखिलेश जी से भी बात करेंगे और जो पार्टियां हैं उनसे भी बात करेंगे। और हम लोग अपना ग्राउंड में इनका जो दिशा जो हम लोगों को दिखाया है, जो निर्देश है, उसको हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, विचारधारा को पहुंचाने का काम करेंगे, मुद्दे पर बहस करेंगे। जो देश की ज़रूरत है, जो जनता की मांग है, उस पर बहस होनी चाहिए। अब केवल फिल्मों से ही एजेंडा तय नहीं होना है। जनता मर रही है महंगाई की मार से, जनता नौजवान पीड़ित है बेरोजगारी से, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, मजदूर परेशान है। हर लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।